इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो टोटल बजट का 58% हमारा यहाँ पे चले जाएगा। 699 अरब रुपए टारगेटेड सब्सिडीज के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त करंटली इन्फ्लेशन रेट जो मुल्क में चल रहा है वो 11.7%, जबकि इसको कम करने का जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है वो 11.5% रखा है। इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि महंगाई कम नहीं हो सकता है बढ़े, लेकिन कम होने का कोई चांस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है एहतजाज फैसल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बजट। कि आपको पता है फाइनेंशियली जितने भी मैटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री से भी लिंक कर रहे होते हैं, और आपकी नॉलेज के लिए भी ये बेहतर होगा कि आपको बेसिक चीज़ें जो है वो बताई जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल साइज ऑफ बजट बताता हूँ, वो है 9.5 खरब रुपए का। इनको अब हम आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके सामने मेन मेन चीज़ें जो है वो रखता चलूँगा। डेट जो हमारे पुराने कर्जे हैं उनकी अदायगी के लिए तकरीबन 4 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दैट मीन्स के 4 खरब रुपए 9.5 में से वो हमारे कर्ज़ों में चले जाएंगे। उसके बाद डिफेंस की बारी आती है, उनके लिए 1.5 खरब रुपए मुख्तस किया गया है। इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो टोटल बजट का 58% हमारा यहाँ पे चले जाएगा। और बाकी रिमेनिंग जो है उसको किस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो गौर करने वाली है वो है तालीम और सेहत। आपको पता है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन शायद हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी वजह से टोटल बजट का सिर्फ 1% पूरे साल के लिए तालीम और सेहत के लिए। इसके अलावा सब्सिडीज़ मतलब रियायत क्या मिल सकती है, कहाँ पे वो आम आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये 699 अरब रुपये टारगेटेड सब्सिडीज़ के लिए मुख्तस किए गए हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मुझे बताते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये फैक्ट है जो कि इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह। इस वक्त करंटली इन्फ्लेशन रेट जो मुल्क में चल रहा है वो है 11.7%, जबकि इसको कम करने का जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है वो 11.5% रखा है। इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि अगर आम बंदा ये जहन में रखता है कि भाई क्या पता आने वाले वक्तों में महंगाई कम हो जाए, तो महंगाई कम नहीं होगी, हो सकता है बढ़े, लेकिन कम होने का कोई चांस नहीं है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद गाड़ियों की बारी आ जाती है। गाड़ियों में भी टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दी गई है। प्रॉपर्टी में भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन इंक्रीज़ कर दी गई है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा की जो प्रॉपर्टी अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको जो है नया टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो एडवांस टैक्स की मद में जो टैक्स आप अदा करते थे वो आपको डबल देना होगा। इसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनकी सैलरी में जो है वो 15% का इजाफा किया गया है, जबकि पेंशन में 5% का इजाफा किया गया है। अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, जितने भी जो चल रहे हैं मोटरवेज़ वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं इन प्रोसेस, उनका एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो हमें रिक्वायर होगा अगर वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं एज सून एज़ पॉसिबल, तो उसके लिए हमें 7 खरब रुपये की ज़रूरत है, जबकि गवर्नमेंट ने अपने बजट में से 70 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए हैं। दैट मींस कि जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 10%। तो इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि या तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जल्द ख़त्म नहीं होने वाले, या तो ये इनको ख़त्म करने के लिए हमें और कर्ज़े लेने पड़ेंगे, और कर्ज़े लेके हमें इनको तेज़ करना पड़ेगा और हमारे ऊपर मज़ीद लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो आगे हमें और दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है।